लखनऊ की एक अदालत ने शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी की सांसद रीता बहुगुणा जोशी को 6 महीने की सजा सुनाई है। उन्होंने 2012 के यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन किया था। इसी मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए उन्हें अरेस्ट करने का आदेश दिया है। दरअसल 2012 में रीता कांग्रेस पार्टी की सदस्य थी। चुनाव प्रचार करते वक्त उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन किया। इसके बाद MPMLकोर्ट के विशेष अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अम्बरीश कुमार श्रीवास्तव ने प्रयागराज से वर्तमान भाजपा सांसद जोशी को आचार संहिता का उल्लंघन कर बैठक करने का दोषी ठहराया था। अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया था कि 17 फरवरी 2012 की शाम करीब 6:50 पर रीता बहुगुणा जोशी लखनऊ की कैंट विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए कृष्णानगर के बजरंग नगर क्षेत्र में चुनाव प्रचार कर रही थी। अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया है कि जोशी ने प्रचार का समय समाप्त होने के बाद भी एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित किया। उन्होंने इस चुनाव में लखनऊ कैंट असेंबली सीट से जीत दर्ज की थी। जब अधिकारियों को आचार संहिता उल्लंघन के बारे में पता चला तो स्टैटिक सर्विलांस मजिस्ट्रेट मुकेश चतुर्वेदी मौके पर आ गए और रीता बहुगुणा जोशी को बजरंग नगर में लगभग 50 लोगों की भीड़ के साथ बैठक करते हुए पाया। इस बैठक को उन्होंने अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया। मामले में चतुर्वेदी की ओर से कृष्णानगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुलिस जांच के बाद उसी साल 12 सितंबर को जोशी के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दायर किए गए थे। 20 फरवरी 2021 को कोर्ट ने उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत आरोप तय किए। सजा सुनाने के बाद कोर्ट ने जोशी को हिरासत में ले लिया। बाद में उन्हें 20,000 रुपए के बॉन्ड और जमानत राशि जमा करने पर अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया गया। साल 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले रीता बहुगुणा जोशी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गई थी। बता दें कि रीता बहुगुणा जोशी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत HN बहुगुणा की बेटी हैं। वो महिला राष्ट्र परिषद की उपाध्यक्ष और अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष रह चुकी हैं। वो उत्तर प्रदेश कांग्रेस की समिति की भी अध्यक्ष रही हैं।